कई बार क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो जानबूझकर बूझ को मैनुपुलेट कर देता है वो मैन्यूपुलेट कर देता है वो पूरी इंफॉर्मेशन को बताता ही नहीं है वो उस तरह से उसको बताता है कि रिसीवर को वो फेवरेबल सुनाई दे उसको एग्जैक्ट सच नहीं बताया जाता बल्कि उसको वो बात बताई जाती है जो कहीं कही ना कहीं आधी सच होती है या फिर वो रिसीवर के फेवर की बात करता है सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अगर इंफॉर्मेशन फिल्टर हो जाता है दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन फिल्टर होते 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 कई बार वो इंफॉर्मेशन इतना मिनिमम रह जाता है कि शायद वो

और इसको तो मैं भी पर्सनली कई बार फील करता हूं कि जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं वो भी वही बोलते हैं मुझे जो मैं सुनना चाहता हूं या मैं भी वही बोलता हूं जो मेरे घर के लोग सुनना चाहते हैं सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी डू इज वी इंटेंशनली मैनुपुलेट इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड फिल्टरिंग एंड वाई डू वी डू इट कोई भी इसको क्यों करता है बिकॉज डिजायर टू मेक बॉस हैप्पी जिसके भी अंदर आप काम करते हैं आप उसको खुश देखना चाहते हैं या जिसके साथ भी आप रहते हैं उनको खुश देखना चाहते हैं इसलिए हम इस तरह की इंफॉर्मेशन को मेन्यपुलेट कर देते हैं कई बार हमारा भी हो सकता है बट दैट इज अगर फिल्टरिंग है बैड न्यूज कई बार हम बुरी खबर नहीं बताना चाहते किसी को इसलिए हम इंफॉर्मेशन को मेन्युपुलेट कर देते हैं तो इसके कई रीजन हो सकते हैं दीज आर द टू प्राइमरी रीजन तो फिल्टरिंग इज ऑल अबाउट मेनुपलेटिंग द इंफॉर्मेशन बाय द सेंटर लेट टॉक अबाउट द सेट बैरियर इन सिमेंटिक बैरियर सिमेंटिक बैरियर क्या होता है दीज आर कंसर्न विद द प्रॉब्लम एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ अ मैसेज इन टू वर्ड एंड इंप्रेशन अब होता है क्या है कई बार आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है इन टर्म्स ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग जब सेंडर मैसेज को इनकोड कर रहा होता है तब भी एरर आ सकता है या जब रिसीवर खासकर डिकोड कर, कर रहा होता है तब बहुत ज्यादा एरर आने के चांसेस होते हैं तो इस तरह के जो एरर होते हैं बिकॉज ऑफ द इनकोडिंग एरर और बिकॉज ऑफ द डिकोडिंग एरर दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक एरर नॉर्मली सच बैरियर रिजल्ट ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स फॉल्टी ट्रांसलेशन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एटसेट्रा फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कई बार सेंडर गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लेता है गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेता है जो आप इंफॉर्मेशन भेजते हैं वो इंफॉर्मेशन रिसीवर प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं कर पाता कई बार इंटरप्रटेशन में गलती हो जाती है हम कोई और मैसेज दे रहे हैं सामने वाला किसी और तरीके से उसको इंटरप्रेट कर ले रहा है सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज वाई हम हमेशा हम कहते हैं कि क्रिस्टल क्लियर बात होनी चाहिए चाहे रिटर्न फॉर्मैट में हो रही हो चाहे ऑरल फॉर्मेट में हो रही है वी मस्ट राइट इन डिटेल वी मस्ट टॉक इन डिटेल सो दैट की प्रॉपर कम्युनिक हो और फीडबैक भी इंश्योर करो सो दैट की रिसीवर को पता चल जाए कि इंफॉर्मेशन उसको मिल चुकी है फॉर एग्जाम्पल मैनेजर द अदर साइड इज नॉट वेल वर्स्ट विद द हिंदी लैंग्वेज कई बार क्या होता है मैनेजर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो वो जो मैसेज दे रहा है वो इंग्लिश में दे रहा है ऑन द अदर साइड जो इंप्लॉइज है वो हिंदी में बेटर है और वो इंग्लिश को नहीं समझ पाते सो इन दैट सिचुएशन लैंग्वेज इज ए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एज मैनेजर में नॉट भी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद व वर्कर लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बार जो कम जो मेरा ट्रीम लीडर था ही वॉज वेरी गुड विथ फ्रेंच बट नॉट गुड विथ इंग्लिश तो जब भी वो मेरे साथ कम्युनिकेट करता था तो काफी प्रॉब्लम आती थी मेरे को उसकी काफी बातों को समझने के लिए गूगल ट्रांसलेटर का भी इस्तेमाल करना पड़ता था

वरी इंडिविजुअलिटी ऑफ प्रोसिंग डाटा आप कोई भी इंफॉर्मेश को कोई भी डाटा को आप सुनते हैं तो उसको प्रोसेस करने की एक कैपैसिटी है हर इंडिविजुअल की हर इंडिविजुअल सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता सारे डाटा को प्रोसेस नहीं कर पाता सो इन दैट सिचुएशन वेर एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड दस रिजल्ट इन टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपको इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि आप इंफॉर्मेशन को गैदर ही नहीं कर पा रहे कई बार बार टेलीविजन में भी होता है फॉर एग्जाम्पल यूर वॉचिंग टीवी देर आर सो मनी हंड्रेड ऑफ एडवर्टीजमेंट आर बॉम्बार on it. बॉमवार आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपको बार बार देखने पड़ रहे हैं बार बार बोमवार हो रहे हैं तो लास्ट में क्या होता है आप सब कुछ आपका दिमाग कैटरी नहीं कर पाता याद ही नहीं रख पाता और आप भूल जाते हैं कि आपने exactly क्या देखा क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है एंड यू आर नॉट एबल टू प्रोसेस दट इन्फॉर्मेशन विद कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक ई मेल फैक्स मोबाइल मैसेज कॉलिंग मैनेजर इज सफर विद इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इतना ज्यादा कम्युनिकेशन डिवाइस आ चुका है आपको एक ही चीजों का ई मेल आ जाता है फैक्स आ जाते हैं कॉलिंग हो जाती है मैसेजिंग हो जाती है हर चीज को अपडेट कर पाना है हर चीज को

उस टेम्परली पीरियड में जो उसका इमोशन है वो कहीं ना कहीं उस पूरे मैसेज को इन्फ्लुएंस कर देता है फॉर एग्जाम्पल वी कॉम्प्रीहेंड मैसेज डिफरेंटली वेन वी आर एंग्री एंड एज कंपेयर टू वेन वी आर हैप्पी तो जब भी आप देखो कि जब आप रिसीव करते हो किसी मैसेज को अगर आपका मूड अच्छा होता है और आप एंग्री नहीं होते हो तो आप मैसेज को अलग तरह से कॉम्प्रिहेंट करते हो ऑन द अदर साइड अगर आपका मूड अच्छा नहीं होता तो उस सिचुएशन में आप मैसेज को अलग तरह से कॉम्प्रिहेंट करते हो तो कहीं ना कहीं मूड और इमोशन भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है एंड इट कुड बी एन ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज सेंडर का जो मैसेज हो सकता है आप प्रॉपरली डिकोड ना कर पाए द फिफ्थ बैरियर इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं द फैक्टर रिलेटेड टू ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर रूल्स एंड रेगुलेशन अथॉरिटी रिलेशनशिप एक्सेट्रा मे समाइम्स एक्ट एज ए बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में खास करके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी के रिलेशनशिप होते हैं जो हिरारकी होती है उससे भी कई बार बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ब्लॉक होता है और इंफॉर्मेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता बिकॉज कई बार फॉर एग्जाम्पल आप सबऑर्डिनेट हैं आप अपने मैनेजर को कोई बात कहना चाहते हैं बट मैनेजर जो है अपनी अथॉरिटी इतनी ज़्यादा रखता है कि वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता तो ऑब्वियसली वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा इन दैट सिचुएशन आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट किया जाता है कि आप डायरेक्टली सी से बात कर सकते हैं या वाइस प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं बट अगेन इसको मैनेजमेंट किस तरह से देख रही है किस तरह से वो उसके स्ट्रक्चर को देख रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो दैट के ओपन कम्युनिकेशन हो पाए हर ऑर्गेशन में यह पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वहां का कल्चर इसको सपोर्ट ही नहीं करता इन एन ऑर्गेनाइजेशन विथ हाईली सेंट्रलाइज पैटर्न पीपल में नॉट बी इनकरेज टू हैव फ्री कम्युनिकेशन जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ सेंट्रल स्ट्रक्चर में होता है सेंट्रल स्ट्रक्चर मतलब सारी पावर जो है वो कुछ लोगों के हैंड में लाई करती है जब इस तरह का सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन कभी देखने को नहीं मिलता वहाँ पर लोग बोलने में घबराते हैं उनको डर लगता है बिकॉज द पावर लाइज इन देंड ऑफ फ्यू पीपल एंड दे मे इफेक्ट यू इन एनी पार्ट ऑफ योर जॉब एंड देट इज द रीजन वाई पीपल डोंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन एनी ओपन कम्युनिकेशन लोग बात ही नहीं करना चाहते एंड ऑल्सो रिजिड रूल्स एंड रेगुलशन एंड कंबलसम प्रोसीजर्स में ऑल्सो बिकम एन हार्डल टू कम्युनिकेशन कई बार ऑर्गनाइजेशन में रूल्स और रेगुलशन और जो वहाँ का प्रोसेस होता है वो इतना कंबलसम है इतना प्रॉब्लमैटिक है कि लोग कम्युनिकेट करने में बिलीव नहीं करते वो कहते भाई जो काम कर रहे हो वो काम करते रहो किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है बिकॉज द मोर यू विल टॉक द मोर प्रॉब्लम यू विल गेट सो इट्स ए वेरी सिंपल वे कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको इन बैरियर्स को रिमूव करना पड़ेगा सो दैट द पीपल कैन टॉक फ्रीली एंड दे कैन गिव यू आइडियाज एंड सजेशन एज वेल सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और आई होप यू एंजॉयट दिस सेशन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग वील मीडिंग इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून